दोस्तों वकील बहुत ज्यादा अपेक्षित नहीं होता, उपेक्षित ज्यादा रहता है। मैं आपको डिमोरलाइज करने के लिए नहीं कह रहा हूं। पहली चीज तो ये कि आपकी वकालत ना चले तो लोगों को प्रॉब्लम है कि यार ये खामखा का वकील है, कुछ करता धरता तो है नहीं, कुछ कमाता है नहीं, इनकम होती नहीं, और ये राजा बाबू बना घूमता रहता है, तो इससे भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे लोगों की तरफ देखना नहीं, ऐसे लोगों को सुनना नहीं, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को सुनोगे, ऐसे लोगों को देखोगे तो आप दुखी हो जाओगे, दुखी हो जाओगे तो काम में मन नहीं लगेगा। ऐसे लोग जब आप बहुत ज्यादा कमाने लगते हैं तो उनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, बहुत कमा रहा है यार ये तो, अरे बहुत कमा रहा है, पता नहीं उल्टे सीधे काम कर रहा होगा, बहुत उल्टे सीधे काम है इसके। सीधे काम से कभी भी आदमी पैसा नहीं कमा पाता, उल्टे सीधे काम करता है आदमी। लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ज्यादा कमाने लगो तो प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या करता है यार, इतना पैसा आता कहां से। ये सब बातें वो लोग करते हैं जिनको आप कभी प्यारे थे ही नहीं, जो आपसे प्यार नहीं करते, जो आपके अपने कभी थे नहीं, वो आपके हैं ही नहीं, तो फिर हम आपके हैं कौन? आप भी उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा कभी भी आपको काम नहीं देंगे, पहली बात, आपके काम को काटने की कोशिश करेंगे, दूसरी बात, तीसरी बात, आपका मजाक उड़ाएंगे। अगर आपने कभी किसी बात पर उनसे थोड़ी सी बहस करना शुरू कर दी, सामने वाला बोलेगा वकील हो साहब मैं कैसे जीत सकता हूं आपसे। इसमें वकालत कहां से आ गई? हम सामान्य बात कर रहे हैं, सामान्य डिस्कस चल रहा है, वकील हो आप, तो आपसे मैं जीत थोड़ी पाऊंगा साहब। पहला ताना, दूसरा ताना, अरे वकीलों की तो आदत ही बहस करने की होती है, सर हम आपसे बहस नहीं कर पाएंगे, सॉरी सर। यार ये ताने सुन सुन के ना दिमाग पक जाता है लोगों का। आप कभी भी सामान्य तौर से अपने किसी रिश्तेदार से भी बात कर रहे होंगे, कोई डिस्कस कर रहे होंगे, अरे साहब आप वकील हो मैं आपसे कहाँ जीत पाऊंगा, इस तरह के लोगों से थोड़ा सा दूर रहना। कभी किसी पड़ोसी का केस मत लड़ना, कभी किसी रिश्तेदार का केस मत लड़ना। अगर आप किसी पड़ोसी का केस लड़ते हैं और आप हार जाते हैं तो वो पड़ोसी आपके पूरे शहर में बदनामी कर देगा, अरे काहे का वकील है यार, एक छोटा सा केस दिया था, नहीं जीत पाया, मुझे नहीं जमा भाई। और एक व्यक्ति जो आपका रिश्तेदार है, अब रिश्तेदार है तो पैसा वैसा तो आपको मिलना नहीं, और अगर केस में कुछ ऊंच नीच हो गई तो अरे यार हरवा दिया, इसके चक्कर में पड़ गए यार, अब वो क्या बताएं, भाई लगता है अपना यार दे दिए थे केस थोड़ा सा, लेकिन अब क्या करें, अब हरवा दिया है, तमाकू घिसते जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं अब क्या करें, भाई लगता है रिश्ते में तो देना तो पड़ा ही केस, अब लेकिन क्या करें, समझे? तो भैया ऐसे लोगों से नहीं चाहिए। अगर रिश्तेदार बोले आपसे मेरा केस लड़ लो तो आप क्या बोलोगे पता है? मैं तो अभी सीख रहा हूं, मुझे काम आता नहीं है, आप मेरे सीनियर को दे दीजिए, आप उसको दे दीजिए, वो बहुत अच्छा वकील है, आप सजेस्ट कर दीजिए उसको 4-6 वकील, वो अपने आप चला जाएगा। लेकिन अगर आपने बोला ना कि मैं आपका केस लड़ने तैयार हूं, भाई साहब ध्यान रखना, फीस मिलेगी नहीं, पॉकेट से लगाना पड़ेगा और बदनामी झेलनी पड़ेगी। इस सबक को हमेशा याद रखना, पड़ोसी रिश्तेदारों से दूरी बना के रखना है। वकील से उसके अपने रिश्तेदार जलने लगते हैं, वकील से उसके अपने पड़ोसी जलने लगते हैं, कब? जब वो बहुत ज्यादा कमाने लगता है, और जब वो कुछ नहीं कमाता तो उससे नफरत करने लगते हैं। है? कोई काम का आदमी नहीं है, भिकमंगा है, मांगता करता है इधर। तो इनसे हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, सुखी रहो। पड़ोसियों के लिए भी एक सीख दे रहा हूं, रिश्तेदारों के लिए भी एक सीख दे रहा हूं, जैसे मैं आपको सीख दे रहा हूं ना, वैसे ही पड़ोसी और रिश्तेदारों को भी सीख दे रहा हूं कि भैया ऐसा वकील मत करना जो आपका भाई बंद लगता हो, आपका रिश्तेदार लगता हो, आपका पड़ोसी हो, मत देना उसको काम, मत करना उस पर ये मेहरबानी। क्यों मत करना? क्योंकि उस बेचारे की इज्जत तो तुम कभी कर नहीं पाओगे। अगर केस में कुछ ऊंच नीच हो गई, जिंदगी भर उससे नफरत करो, पैसे उसको दे नहीं पाओगे। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो
प्रोफेशनलिज्म को जानते हैं, पैसा देना जानते हैं। पैसा वकील की रिक्वायरमेंट है, उसका घर परिवार उसी से चलता है। हम जो ज्ञान कलेक्ट करते हैं, हम LLB करते हैं, डबल ग्रेजुएट होते हैं, 6 साल खपा के आते हैं, कोई 5 साल लगा के आता है, और उसके बाद बाबा जी का ठुल्लू लेने के लिए थोड़ी आते हैं भाई। पैसा मिलेगा तो काम करेंगे, फ्री का काम करने की कोशिश नहीं करना।